नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपना चल रहा था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जो कि अपनी एक्सरसाइज कौन सी है 7.1, और अपने क्वेश्चन हो चुके थे, शुरू वाले 6 क्वेश्चन हो चुके थे। उससे पहले मैं एक बार फिर से सभी सर्व समीकरण रिपीट कर देता हूँ। आपकी पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरी सरल समीकरण सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपकी तीसरी सरल समीकरण है कोसेक्स स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। आपकी ये तीन सरल समीकरण है। पहली सरल समीकरण आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। और दूसरी सरल समीकरण देखिएगा सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपकी तीसरी सरल समीकरण है कोसेक्स स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इनके अलावा कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बटे में साइन थीटा, और सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बटे में कोस थीटा, और तीसरा आपका टेन थीटा किसके इक्वल होता है? एक तो होता है भाई 1 बटे कोट थीटा के, और दूसरा साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अगर आपका टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, तो बताइए कि कोट थीटा किसके इक्वल होगा? कोट थीटा इक्वल होगा आपके कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा भाई। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन आपका ये है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के, टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। मतलब कि आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर क्या करना है भाई? प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया भाई? लेफ्ट हैंड साइड, और आपका लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक्स स्क्वायर थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई? अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? टेन थीटा प्लस है कोट थीटा के। अब मुझे बताइए कि जो सेक्स स्क्वायर थीटा है, अब सर्व समीकरण देखिएगा सेक्स स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है भाई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां मैंने सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगाया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन बीच में किसका है भाई? प्लस का, और कोसेक्स स्क्वायर थीटा किसके बराबर है भाई? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां मैंने सेक्स स्क्वायर थीटा को तो किसके बराबर रखा भाई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक्स स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल रखा भाई? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां मैंने सर्व समीकरण 2 और 3 का प्रयोग किया। अब देखिए आगे मैं सोल्व करता हूं, आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और एक कितना हो गया भाई? 2। एक और एक कितना हो गया? 2। अब देखिएगा आपका फॉर्मूला है टेन थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटे में कोट थीटा के, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बटा में टेन थीटा के। ये मैं करवा चुका हूं। अगर मैं टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, टेन थीटा इनटू में कोट थीटा, बेटा ये इसका उल्टा होता है कि नहीं, और ये इसका उल्टा होता है कि नहीं? अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा।
टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा, एक होगा। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ क्या, टेन स्केयर थीटा प्लस में कोट स्केयर थीटा प्लस में टू इंटू टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, और दो को हमने एक से गुणा किया तो दो एकम कितना आएगा, दो। ये इसलिए किया ताकि अपनी सर्व समीका मिल जाए, कौन सी, देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, जहां ए आपका क्या है टेन थीटा, बी आपका क्या है कोट थीटा। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी की होल स्केयर। अब यहां देखिएगा, ए आपका कितना है टेन थीटा और बी आपका कितना है कोट थीटा, तो मैंने यहां लिखा टेन थीटा प्लस में कोट थीटा की होल स्केयर, और इसका क्या है भाई अंडर रूट। अब देखिएगा, रूट को मैंने सोल्व किया, रूट का मतलब पावर एक बटा दो ही तो होती है ना, इसको मैंने सोल्व किया तो आपका क्या आ गया, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, रूट कैंसिल हो गया तो स्केयर भी क्या होगी कैंसिल। अब देखिएगा आपका राइट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड साइड के। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, sec square theta plus cosec square theta का अंडर रूट बराबर है आपका tan theta plus में cot theta। अब बेटा देखिएगा, मैंने सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया, और आपका लेफ्ट हैंड साइड है sec square theta plus में cosec square theta। अब यहाँ मैंने sec square theta, देखो राइट हैंड साइड में अपने को tan और cot में लाना है, तो sec square theta किसके इक्वल होता है, एक प्लस टेन स्केयर थीटा, और बेटा कोसेक स्केयर किसके इक्वल होता है, एक प्लस कोट स्केयर थीटा। तो यहाँ मैंने सेक स्केयर को तो चेंज किया एक प्लस टेन स्केयर थीटा में, और कोसेक को चेंज किया एक प्लस कोट स्केयर थीटा में। अब देखिए बेटा, टेन स्केयर थीटा कोट स्केयर थीटा, एक और एक कितना हो गया, दो। शायद तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, कोई ना कोई सर्व समीका का तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो यहां देखो टेन स्केयर है, ए है ना एक स्केयर, बी स्केयर है। अब देखो यहां अगर मैंने टेन थीटा इंटू कोट थीटा अपनी तरफ से लिख लिया, सीधी सी बात है बेटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, एक ही होता है। तो यहां मैंने क्या लिखा, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, क्योंकि अगर इनको सोल्व करेंगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आएगी। अब कोई फर्क है क्या इन दोनों में, नहीं है। उसके बाद देखिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो यहां आपका फार्मूला बन गया ए प्लस बी की होल स्केयर। अब अंडर रूट टेन थीटा प्लस कोट थीटा की होल स्केयर, अब इस रूट को सोल्व करेंगे तो पावर एक बटा दो होती है, मतलब कि रूट को सोल्व किया तो स्केयर कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और यही बेटा आपकी क्या है राइट हैंड साइड। आप ध्यान से समझना, फिर भी समझ में नहीं आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना ये क्वेश्चन, मैं दोबारा से करवा दूंगा। बाकी आप कोशिश करना, और ये बेटा फार्मूले आप अच्छे से करना, आप अगर फार्मूले अच्छे से करोगे तो इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी सी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आठवां क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन इसको बोलते हैं अल्फा, प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर किसके है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा।
टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब बेटा देखिएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में आपका है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और किसके इक्वल प्रूव करना है, टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। अब देखिए ये आपको हल करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है, तो वही बात मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में क्या है भाई कोट अल्फा प्लस में कोट बीटा। यहां मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब आप बताएं बेटा कि टेन अल्फा टेन थीटा किसके इक्वल होता है, यहां देखिएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहां थीटा किसके इक्वल दिया गया है, अल्फा के इक्वल दिया गया है, तो जहां थीटा है वहां क्या रखेंगे अल्फा। तो टेन थीटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, टेन थीटा को मैंने लिखा साइन, और थीटा के इक्वल क्या है अल्फा है, तो साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा, साइन बीच में क्या है भाई प्लस का, टेन बीटा है तो साइन बीटा बटे कोस बीटा। यहां ऊपर वाले को मैंने टेन को साइन बटा कोस में चेंज किया है, तो यहां थीटा बराबर क्या है भाई अल्फा है, तो जहां थीटा है वहां मैंने क्या रख लिया अल्फा। इसी प्रकार देखिएगा कोट अल्फा, यहां थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अब देखिए कोट थीटा किसके इक्वल है कोस बटे में साइन, तो यहां मैंने लिखा कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बटे में साइन बीटा। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बेटा देखिएगा यहां टेन थीटा साइन बटे कोस के इक्वल है, टेन फिर साइन बटे कोस के इक्वल है, कोट कोस बटे साइन के इक्वल है, और कोट भी कोस बटे साइन के इक्वल है। जहां अल्फा है वहां मैंने अल्फा रख दिया, जहां बीटा है वहां क्या रख दिया बीटा। अब देखिएगा ऊपर वाले का एलसीएम देखिए क्या आ गया, ऊपर जो आपको ये भिन्न दिखाई दे रही है बीच में साइन प्लस का है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम आपका आ गया बेटा कोस अल्फा, ध्यान से समझना इसको, कोस बीटा, ऐसे मत कर देना भाई कोस स्क्वायर अल्फा बीटा आपका गलत हो जाएगा, क्या आएगा क्योंकि यहां थीटा दोनों अलग अलग है ना, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। अब बेटा देखिए कोस अल्फा को कोस अल्फा से भाग दिया, क्या बच गया यहां कोस बीटा, और यहां क्या है भाई साइन अल्फा, तो इससे गुणा किया तो आपका आ गया साइन अल्फा इंटू में कोस बीटा, बीच में साइन किसका है भाई प्लस का, कोस बीटा को कोस बीटा से भाग दिया, यहां क्या बच गया कोस अल्फा, और कोस अल्फा को साइन बीटा से गुणा किया तो आपका आ गया कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। यहां गलती होगी तो इन अल्फा बीटा में होगी, अब थीटा के इक्वल ही मानना बस, बटे में। अब यहां फिर ध्यान से देखिएगा, नीचे वाली दोनों भिन्न आपको दिखाई दे रही है, बीच में साइन प्लस का है, इसका भी मैंने क्या ले लिया एलसीएम, तो बेटा आपका एलसीएम आ गया साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, तो यहां साइन अल्फा को साइन अल्फा से भाग दिया, क्या बच गया साइन बीटा, और साइन बीटा को किससे गुणा किया कोस अल्फा से, तो आपका आ गया कोस अल्फा इंटू में साइन बीटा, बीच में साइन किसका है प्लस का, साइन बीटा को इससे भाग दिया, ये साइन बीटा तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन अल्फा, साइन अल्फा को किससे गुणा किया कोस बीटा से, तो आपका आ गया साइन अल्फा इंटू में कोस बीटा। अब आप जानते हो बेटा ए बटे में बी है, और इसको भाग दे रहा हूं मैं सी बटे में डी से, अगर भाग को गुणा में चेंज करूँगा तो ए बटे बी तो आपका सेम रहेगा, C बटा D क्या हो जाएगा D बटे में C, मतलब कि साइन अल्फा
इनटू में कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इनटू में साइन बीटा बटे में आपका है कोस अल्फा इनटू में कोस बीटा, ये वाला सेम रहेगा। अब नीचे वाला देखो, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि c बटा d क्या हो जाएगा, d बटे c, तो गुणा में साइन अल्फा इनटू में साइन बीटा और बटे में क्या आ गया आपका कोस अल्फा इनटू में साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इनटू में कोस बीटा। यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बेटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहां देखो, कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, दोनों सेम है कि नहीं, आपस में क्या हो गए भाई, कैंसल। ये मत सोचना भी ये बाद में आ गया, ये पहले आ गया, एक ही बात है। राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो क्या है, राम का भाई है। अब यहां आपका आ गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और बटे में आपका है कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा। तो साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा, तो साइन बटे में कोस। अभी आप देखिएगा, साइन बटे में कोस क्या होता है, टेन होता है, अल्फा है तो बेटा सीधी सी बात है यहां क्या आ गया टेन अल्फा और इंटू में साइन बटे कोस तो क्या होता है टेन, बीटा है तो क्या आ गया टेन बीटा। और आपको यही तो क्या करना था, प्रूव करना था ये आपकी साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड। बोलिएगा कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहले आपने टेन को साइन बटा कोस में चेंज किया, कोट को कोस बटा साइन में चेंज किया, उसके बाद आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहां जो आपका ए बटा बी और सी बटा डी आता है, भाग को गुणा में चेंज किया, गुणा में चेंज किया तो ये आपस में क्या हो गया कैंसल, और लास्ट में जो बचा वो आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा बराबर है टू सेक थीटा। अब बेटा इसमें देखिएगा, किसी के पास पुरानी बुक है तो यहां बराबर दिया गया है इसलिए ये प्लस कर लीजिए, यहां बराबर दिया गया है, यहां साइन बराबर वाला चेंज करके क्या कर लीजिए प्लस, और नई बुक में तो ये क्वेश्चन सही है। अब देखिए, एक प्लस साइन थीटा बटे में क्या है कोस थीटा, साइन बीच में प्लस का है, कोस थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा और बराबर प्रूव क्या करना है दो सेक थीटा। तो वही बात बेटा, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है एक प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन प्लस का है, कोस थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब बेटा इनका एलसीएम देखिएगा, एलसीएम आपका आ गया कोस थीटा इनटू में एक प्लस साइन थीटा, आपका एलसीएम आता है कोस थीटा इनटू में एक प्लस साइन थीटा। अब बेटा देखिए, कोस से कोस तो क्या हो गया कैंसल हो गया, इसको इससे भाग दिया, क्या बच गया एक प्लस साइन थीटा, और एक प्लस साइन थीटा को एक प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो आपका आ गया एक प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस में एक प्लस साइन को एक प्लस साइन से गुणा किया एक आ गया, एक को कोस से गुणा, यहां क्या बच गया कोस, और कोस को कोस से गुणा किया तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा बटे में
कोस थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा। यहां मैंने इनका एलसीएम लिया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, एक प्लस साइन थीटा बच गया। एक प्लस साइन थीटा को एक प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो एक प्लस साइन थीटा की होल स्केयर आ गई। साइन बीच में भाई प्लस का है, और एक प्लस साइन को इससे भाग दिया तो एक प्लस साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया कोस, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्केयर। अब यहां सरल समीका देखिए, ए प्लस बी की होल स्केयर, ए प्लस बी की होल स्केयर किसके इक्वल होता है भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। मतलब कि ए कितना है एक, एक की स्केयर कितना होता है एक, प्लस बी का स्केयर मतलब साइन स्केयर थीटा प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू साइन थीटा। अरे भाई साइन किसका है बीच में प्लस का, कोस स्केयर थीटा बटे में आपका है कोस थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आप देखिएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, तो एक प्लस एक प्लस टू साइन थीटा। बेटा मेरे को ये बताएं कि यहां सरल समीका पहली लगाई हमने, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक, तो एक प्लस एक प्लस दो साइन थीटा बटे में आपका है कोस थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा। अब बेटा आप मेरे को ये बताएं एक और एक कितना हो गया दो, दो प्लस दो साइन थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में एक प्लस साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद देखिए ऊपर आपको कॉमन क्या लग रहा है भाई, दो कॉमन ले लूं मैं, दो कॉमन ले लिया तो यहां कितना बच गया एक, दो बाहर चला गया क्या बच गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा। अब बेटा एक प्लस साइन थीटा से एक प्लस साइन थीटा क्या हो गया कैंसल, और यहां क्या बच गया दो इंटू एक बटे में कोस थीटा। तो एक बटे में कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, एक बटे में कोस किसके इक्वल होता है सेक थीटा के, तो आपका आ गया यहां दो सेक थीटा। और यही आपकी क्या है बेटा राइट हैंड साइड। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, देखिए आपका क्वेश्चन है एक प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा। अब सब बराबर क्या प्रूव करना है दो सेक थीटा। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ गया और यहां आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा। अब इसको इससे भाग दिया बेटा एक प्लस साइन थीटा बच गया, एक प्लस साइन थीटा को एक प्लस साइन थीटा से गुणा किया, एक प्लस साइन थीटा की होल स्केयर, एक प्लस साइन से एक प्लस साइन कट गया क्या बच गया कोस, कोस को कोस से गुणा किया कोस के कोस स्केयर थीटा। अब यहाँ ए प्लस बी की होल स्केयर किसके बराबर होता है एक, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस टू ए बी। यहां सरल समीका का प्रयोग किया मैंने ए प्लस बी की होल स्केयर वाला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। अब यहां और प्लस में क्या है कोस स्केयर। अब बेटा देखिए साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक, और एक पहले ही है एक और एक है दो, तो यहां क्या आ गया दो प्लस दो साइन थीटा, और बेटा बटे में कोस थीटा इंटू में एक प्लस साइन थीटा है, तो यहां मैंने दो कॉमन लिया तो आपका बच गया एक प्लस साइन थीटा, और बटे में क्या है कोस थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा। अब बेटा दो आप मुझे बताएं ये आपस में कैंसिल हो गया क्या बच गया दो गुणा एक बटा कोस थीटा, और एक बटा कोस थीटा आपका क्या होता है सेक थीटा, तो आपका कितना आ गया दो सेक थीटा। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, पुरानी बुक है वहां यहां बराबर का चिन्ह दिया गया है बेटा आप प्लस रख लीजिएगा उसको,
बराबर दिया गया है बुक में, वहां आप प्लस कर लीजिएगा। अब देखिए, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बेटा इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना आप। और इनके फार्मूले आप अच्छे से करना, जितनी सर्व समीकाएं हैं वो अच्छे से याद करना, रेगुलर रिपीट कर दिया कर लिया करो। और बेटा वैसे तो मैं रेगुलर यहाँ लिखवाऊंगा, जब तक अपनी त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं खत्म नहीं होती है, मैं रेगुलर आपको रिपीट करवाता रहूँगा। और आप रेगुलर क्लास लगाइए, सबसे बड़ी बात है आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। थैंक यू, आज इतना ही करवाएंगे और कल करेंगे बेटा।